इतनी फौज का इबरतनाक अंजाम हुआ और ये दुनिया में भी तड़प तड़प कर मरे और आखिरत में भी इनका अंजाम बड़ा इबरतनाक होगा। इन्हीं में एक शख्स था जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सामने आकर कहता कि देखो तो सही, दरियाए फरात कैसा मुझे मार रहा है, खुदा की कसम इसमें से एक कतरा भी तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम यूं ही प्यासे हलाक हो जाओ। इमाम कृष्णा काम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने बारगाह अनाम में अर्ज की, अल्लाहुम्मा अमितहु अतशानन, या रब इसको प्यासा मार। इमाम आली मुकाम की दुआ मांगते ही उस बेहया का घोड़ा बिदक कर दौड़ा और वो पकड़ने के लिए इसके पीछे भागा। प्यास का गलबा ऐसा हुआ, जोर की प्यास लगी, इस शिद्दत की प्यास लगी कि अल अतश यानी हाय प्यास पुकारता था, मगर पानी जब इसके मुंह से लगाते थे तो एक कतरा भी ना पी सकता था, यहाँ तक कि इस शिद्दत में प्यास में तड़प तड़प कर मर गया। ये दुनिया में ही करबला में ही उसका इबरतनाक अंजाम हुआ। यजीदी फौज ने ये मामला देखकर भी इबरत ना पकड़ी और वो उसे इत्तिफाकी अमल करार देने लगी। हालांकि ये भी वाकया उनके इत्माम हुज्जत के लिए था, देख लो कि आले रसूल के गुस्ताख का अंजाम क्या होता है। अल्लाह करीम हम सबको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इनकी सीरत से जो दर्स मिलते हैं, सबर का दर्स, उस पर अमल पैरा होने की तो